क्या यश ने लिखा था खुद का डायलॉग, किस पे बेस था संजय दत्त का लुक, कैसे केजीएफ 2 बन गई संजय दत्त के लिए खास, रॉकी के अवतार के दीवाने हजार, इस गद्दार ने जितनी शोहरत पाई है वो सच में काबिले तारीफ है। हर कोई फिल्म देखने के बाद इस किरदार के कहानी से मानो जुड़ से गए हो। खैर, रॉकी का किरदार अगर इतना अच्छा हो पाया है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यश ने इस किरदार को पूरा जस्टिस दिया था। यश ने रॉकी को पर्दे पर जिंदा भी कर दिया था। किसी को लगा ही नहीं रॉकी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इस वजह से इस किरदार से दर्शकों के इमोशंस कनेक्ट हो पाए। हालांकि रॉकी एक क्रिमिनल है, यानी कि इस किरदार का मेन कॉन्सेप्ट डार्क है, पर फिर भी सभी इस किरदार को अपने ही एक हिस्सा मानते जा रहे हैं। और फैंडम में इस फिल्म को लेकर जितना पागलपन है उसे देखकर ही ऐसा लगता है कि प्रशांत नील ने केजीएफ के नए चैप्टर को बनाने के बारे में सोचा होगा। खैर, क्या आप जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 में यश ने अपने किरदार का डायलॉग्स खुद ही लिखे थे? हाँ बिल्कुल, यश ने अपने किरदार को जीवन दिया, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी किरदार को जीवन दिया ये भी उन्होंने उसके बड़े पर्दे पर बोले गए डायलॉग्स जो दर्शकों के दिलों में जिंदगी भर के लिए एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वही मेन किरदार जितना इम्पैक्टफुल था उतना ही एंटागोनिस्ट भी था। अधीरा के किरदार में संजय दत्त मानो ढल ही गए हो। उन्होंने जिस तरह से अधीरा के किरदार को अपनाया था यही कारण बन गया कहानी को एक मजबूती देने का। किसी भी कहानी में भले ही वो फिल्मी हो या फिर रियलिटी, पर हीरो और विलेन दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है, जिसकी वजह से प्लॉट को एक नया मोड़ मिलता है और उसमें ट्विस्ट आता है और फिर वो कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। खैर, वैसे हो सकता है कि ये बात आपको पता नहीं होगी, पर केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा के किरदार का लुक असल में विकिंग सीरीज के रैग्नर लोथब्रोक के लुक से इंस्पायर था। रैग्नर का किरदार ऑस्ट्रेलियन एक्टर ट्रेविस फेमिल ने निभाया था और आप चाहे तो अधीरा और रैग्नर के किरदार को देखकर इस बात को बखूबी से समझ सकते हैं कि दोनों का लुक काफी हद तक मिलता जुलता है। संजय दत्त के लिए केजीएफ एक नई उम्मीद बनकर उनके जिंदगी में आई थी और संजय दत्त के जेल से वापस आने के बाद केजीएफ 2 उनकी पहली सक्सेस साबित हुई है। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर उन सबको पार करते हुए आज भी वो अपने योगदान, अपने पैशन यानी कि एक्टिंग को देते आ रहे हैं। उसी बीच अगर उनके जिंदगी में केजीएफ चैप्टर 2 जैसा कुछ बड़ा धमाका हो जाए तो सच में वो पल जिंदगी का सबसे खास पलों में से एक बन जाता है। अधीरा का किरदार शायद फिर एक बार एंट्री करेगा चैप्टर 3 में और फिर संजय दत्त अपने अधीरा के लुक में दर्शकों का प्यार हासिल करेंगे। तब तक के लिए हमें केजीएफ चैप्टर 3 का करना होगा थोड़ा इंतजार। तो आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ चैप्टर 3 को देखने के लिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए हमारे साथ।